देखिए भाई, काफी बेकार की न्यूज आ गई है शाहरुख खान की डॉन फ्रेंचाइज से, जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल टूट जाएगा। तो आइए जानते हैं भाई आखिर मैटर हुआ क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा, कुछ ही समय पहले शाहरुख खान इस डॉन फ्रेंचाइज से निकलने का फैसला किए हैं, क्योंकि अब उनको डॉन जैसे फिल्म में काम करने का मन नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है, अब इस न्यूज के आए 2 दिन भी नहीं हुआ है कि, मगर तभी भी पता नहीं कैसे फटाक से मेकर्स ने अपना अगला डॉन भी अनाउंस कर दिया जनता के सामने। जी हाँ भाई, अब शाहरुख खान के बदले डॉन 3 रणवीर सिंह करेंगे, और अब ये कंफर्म भी हो चुका है अगले डॉन रणवीर सिंह होंगे इंडिया के, और जल्दी अनाउंसमेंट वीडियो भी डॉन वाले रिलीज करेंगे रणवीर सिंह को एंट्री को लेकर। देखिए इनकी डॉन एकदम अलग होने वाली है, शायद फरहान अख्तर रणवीर सिंह के साथ अलग फ्रेंचाइज खड़ा करें डॉन के नाम से। पुराना शाहरुख खान वाला डॉन का शायद 0 कनेक्शन हो इस वाले रणवीर सिंह के डॉन में। लेकिन भाई आपको ये भी बता दो, इस समय इंडिया में बवाल मच चुका है हेरा फेरी जैसा ही। कैसे उस समय भी कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिए थे हेरा फेरी 3 से, तो फिर बाद में हंगामा कर दिया ऑडियंस ने, इसके कारण फिर से अक्षय कुमार को आना ही पड़ा वापस अपनी हेरा फेरी के अंदर। और कुछ ऐसा ही इस समय माहौल सोशल मीडिया पर भी है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रणवीर सिंह को निकलवाने के लिए इस डॉन फ्रेंचाइज से। क्या पता अक्षय कुमार के जैसा ही शाहरुख खान भी लौट आए अपने डॉन 3 में जनता के डिमांड पर। खैर देखते हैं आगे डॉन 3 का फ्यूचर होता क्या है। और भाई साथ में आपको सलमान खान के टाइगर 3 के बारे में भी एक जरूरी बात बता देता हूँ। एक्चुअली में भाई हाल ही में शाहरुख खान भी चले गए हैं टाइगर 3 का शूट करने। आपको पता ही होगा टाइगर भैया ने कहा था मुझको पठान की जरूरत पड़ सकती है, सो भाई अब वो जरूरत पड़ गई है, और इसलिए शाहरुख खान भी 13 दिन से टाइगर 3 का शूटिंग कर रहे हैं मड आइलैंड पर। देखिए टाइगर 3 मूवी में शाहरुख खान का टाइगर जैसा छोटा केमियो नहीं होगा, बल्कि हमें कम से कम 20-25 मिनट तक दिखने वाले हैं सलमान खान के साथ एक्शन करते हुए। और यहाँ भी पठान टाइगर भैया को किसी जेल से निकलवाने गया है, तो देखते हैं अब के स्पाई यूनिवर्स में टाइगर और पठान मिलके क्या बवाल मचाते हैं। भाई मजे आ जाता टाइगर पठान के साथ कबीर की भी एंट्री होती इस टाइगर 3 में। तो पता नहीं भाई ऋतिक रोशन की कबीर की एंट्री कब देखने को मिलेगी हमें पठान या टाइगर की फिल्म में। वैसे भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।